गोड्डा में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट में 10 लोग घायल हुए हैं, एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी है। गोड्डा नगर थाना के पुंसिया गांव की ये घटना है। तो जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है, 10 लोग घायल हुए हैं, एक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। तो हम लोग कमिश्नर जीते हुए थे कृषि कॉलेज के पास अपना जमीन, तो दीवार चार दीवार दिए थे, उसमें वो लोग आया और आग लगा दिया और दीवार धंसा रहा था, दीवार धंसा रहा था और हम लोग गए मना करने, तो वो लोग कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जान से मारने का धमकी दिया और मेरा घायल रहे 6-7 आदमी। गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई है, 10 लोग घायल हुए हैं, एक गंभीर रूप से जख्मी है, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो मारपीट के दौरान 10 लोग घायल हुए हैं, दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है सभी घायलों को। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, क्या है पूरा मामला? से जुड़ा हुआ मामला है जहां पूर्व से ही विवाद इन लोगों का चला, जो दोनों ही पक्ष आपस में गोतियाई है, पक्ष हैं, दोनों जमीन का घेराबंदी कर रहे थे, उसी दौरान दोनों पक्ष में आपस में मारपीट हुआ, लाठी डंडा और धारदार हथियारों से जमकर मारपीट हुई, जहां इसमें से महिला सहित दोनों पक्ष की ओर से करीब 10 आदमी घायल हो गए हैं। सभी घायलों का थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और नगर सदर अस्पताल में इलाज दोनों पक्ष का किया जा रहा है। जी, घायलों की हालत क्या बताई जा रही है नरेंद्र? वह घायलों दोनों पर एक पक्ष की ओर से एक महिला, एक पुरुष और एक पक्ष एक पुरुष है, करीब 3 आदमी कुछ गंभीर चोटें लगी है, जिनको सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है और अभी खतरे से बाहर बताया जा रहा है, सभी का इलाज चल रहा है। जी नरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गोड्डा के पुंसिया गाँव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई है, 10 लोग घायल हुए हैं, गंभीर रूप से जख्मी है, इलाज के लिए सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।